हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन सीएमए। हमने पिछले लेक्चर में देखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ पोर्शन, कुछ टॉपिक्स हमने देखा था और हमने कवर किया था उसको। और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा था कि पहले हम अर्थमेटिक में देखो, पहले हमारा सिलेबस क्या था कि हमारा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और इसके साथ में था हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहला था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी बोलते थे, एपी कहते हैं, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि हमारा जीपी है। ठीक है, तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने किया था। जैसे हमने पहला पहला कॉन्सेप्ट किया था टीएन निकालना, टीएन कैसे फाइंड करते हैं, जिसको हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर देते हैं, जो कि फर्स्ट टर्म के लिए था हमारा। हम फिर हमने लास्ट टर्म के लिए भी देखा था, जिसको हम डिनोट करते थे टी डैश एन से, ठीक है, तो उसको हमने देखा था कि एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी हमने देखा था। फिर हमने सम कवर किए थे कि एपी में सम एपी का सम कैसे किया था, तो इसमें हमने दो फॉर्मूले देखा था। पहला हमने देखा था कि 2a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, और एक हमने देखा था एस एन का कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इन टू एन डिवाइड बाई टू, ये हमने देखा था। फिर इसके बाद में हमने देखा था एस एन से रिलेटेड कि एस एन अगर ए एन स्क्वायर प्लस बी के फॉर्म में हो तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। फिर हमने देखा था कि एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। फिर हमने रेशियो कवर किया था, रेशियो में हमने दो पोर्शन किया था। पहला हमारा पहला पोर्शन था कि एम और एन टर्म, एम और एन दोनों अलग अलग टर्म है तो उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा, एस और एस एम और एस एन के रेशियो में। उसका हमने देखा था कि ए एम स्क्वायर प्लस बी एम और डिवाइड बाई ए सॉरी सी एन स्क्वायर प्लस डी एन, ये हमने कॉन्सेप्ट देखा था। और एक हमने एक अलग कॉन्सेप्ट देखा था, इसी का एक पहला कॉन्सेप्ट ये हमने देखा था, और इसका दूसरा पोर्शन हमने ये देखा था कि एक जैसे दो टर्म हो लेकिन दोनों एक ही हो, एस एन और एस डैश एन, जैसे कि एन प्लस बी सी एन प्लस डी, ये इतने टाइप्स के हमने क्वेश्चन अभी तक से सॉरी इतने क्वेश्चन अभी हमने नहीं किया है। स्टडी मटेरियल सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन अभी हमने नहीं किया है, अभी हम कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, मैं जो कराऊंगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही एक आता है हमारा अर्थमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। तो देखिए, पहले हमने इतना कवर किया था तो इतना हमारा हो गया। ठीक है, स्टडी मटेरियल के हिसाब से, स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ, जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक से करवाया है स्टडी मटेरियल से। अच्छा, एक और बात आप लोग ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने करवाया है जो स्टडी सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल में गिवन ही नहीं है, दिया हुआ नहीं है उसमें, उसमें है ही नहीं। ठीक है ना, देखो जैसे ये सब कुछ गिवन है, ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और स्टडी मटेरियल मैंने एनालाइज किया तब, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा था कल, तो ये सब कुछ गिवन है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन मैं करवा रखा हूँ, जो मैंने करवा रखा है एस एन ए एन स्क्वायर प्लस बी एस एन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट हमारा आता था यहाँ से उभर करके कि टी एन का फॉर्म में क्या हो जाएगा कि ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी, ये वाला कॉन्सेप्ट, और ये हमारा और इसका डी का डी कितना निकल जाता था हमारा टू एन, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट ये मैंने किया, ये हम लोगों ने किया है। ठीक है, ये वाला जो हमने किया है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट, ये वाला जो हमने किया है, ये जितना सारा कॉन्सेप्ट हमने किया ना, ये हमारे सीएमए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल में है ही नहीं। ठीक है ना, लेकिन अगर सीएमए स्टडी मटेरियल में नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, देखिए स्टडी मटेरियल है, ठीक है, उसके क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, क्वेश्चन उसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग हमने इतना किया है, उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे करेंगे उसको। देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कहना होता है कि, और जो लोग मानते हैं कि अगर स्टडी मटेरियल में गिवन नहीं है तो इसे एग्जाम में मतलब पेपर पेपर में क्वेश्चन उससे पूछ ही नहीं सकता, पूछेगा ही नहीं। देखिए
अगर देखिए, अगर मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैंने जितना भी देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर स्टडी मटेरियल में चैप्टर गिवन है, एक बार आप लोग ध्यान से सुनना, चैप्टर गिवन है स्टडी मटेरियल में, सीएमए स्टडी मटेरियल में चैप्टर अगर गिवन है, उसमें कॉन्सेप्ट स्टडी मटेरियल में कॉन्सेप्ट दिया हो या फिर ना दिया हो, अगर चैप्टर है उसमें, तो हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट करना होगा, ऑल कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होगा, पूरा का पूरा जितना सारा कॉन्सेप्ट है ना, उन सबको हमें पढ़ना होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो वो हमारी गलती होगी। अगर हम कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट स्टडी मटेरियल में नहीं है तो हम इसको पढ़ करके नहीं जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट स्टडी मटेरियल में नहीं है तो ये पढ़ के नहीं जाएंगे, और रीजन यही होता है कि ये जितने सारे मैंने कॉन्सेप्ट कराया ना, कि बहुत मतलब बारीक, मतलब कम ही स्टूडेंट्स पढ़ पाते हैं और उनका ध्यान जाता है। देखो, फोकस करते हैं स्टूडेंट्स, टीएन कैसे निकालना होता है, ए कैसे निकालना होता है, डी कैसे फाइंड करना होगा, ए कैसे और टीएन कैसे फाइंड करना होगा, लास्ट टर्म कैसे होगा, फिर एसएन में ये दो एकदम, तो ये तो एकदम फेमस फॉर्मूला है, इन दोनों का ये बहुत यूज, मतलब सबका यूज है, लेकिन इन दोनों का सब में ये मतलब ये फेमस फॉर्मूला है, ये बहुत ही यूज किया जाता है, बहुत यूज होता भी है। लेकिन ये जो मैंने करवा रखा है ना आपके, आप लोगों में जो मैंने ये कॉन्सेप्ट करवाया है, ये बहुत कम ही स्टडी मटेरियल में या बहुत कम ही बुक में गिवन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर स्टडी मटेरियल में गिवन नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन में पेपर, सॉरी क्या कहते हैं, पेपर में उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इसका तो अगर चैप्टर है, अगर एपी है, अगर स्टडी मटेरियल में एपी है कि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है तो उसमें कॉन्सेप्ट हो या फिर कॉन्सेप्ट ना हो, स्टडी मटेरियल में बुक में हमें जितना सारा कॉन्सेप्ट आईपी में के अंडर में आता है, उन सबको हमें पढ़ना होगा। एक बात आप ध्यान में रखना, आप एपी करो या फिर आप जीपी पढ़ लो या फिर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लो, कंपाउंड हिस्ट्री पढ़ लो या फिर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लो या सेट थ्योरी पढ़ लो या फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो, ठीक है ना, कोरिलेशन पढ़ लो, रिग्रेशन पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, कुछ भी आप पढ़ लो, अगर चैप्टर गिवन है आपके स्टडी मटेरियल में तो कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा करना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ ये, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि है नहीं है, नहीं है तो क्या पढ़ना, क्या इससे रिलेट, क्या इसका लेना देना, तो ऐसा कुछ नहीं करना आप लोग। जो मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ आप उसको, अभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, अभी मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही करवा रहा हूँ एपी का, तो इस वजह से आप लोग बोर मत होना कि सर आप बस यही प्रैक्टिकल क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट देखो मेरा पढ़ाने का, जो मैं अपने तरीके से मतलब मैं समझता हूँ कि मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बस हमने फॉर्मूला रट लिया, उसके बेस पे हमने क्वेश्चन कर लिया, हमारा काम खत्म हो गया। ये तो बस एग्जाम पास करने का एक तरीका हो गया कि हमने ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, हमने याद किया, रट्टा मारा उसको, और उसके बेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो रहे हैं, हमने किया, बस हमारा काम हो गया। नहीं, आप मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब ये है कि आप जितनी गहराई से पढ़ लो उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं जितना भी सर जितने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उन सबको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसका मतलब देखो, अब टीएन का फॉर्मूला है, सबको मालूम है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो सब हमने रट लिया कि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन हमें मिलेगी नहीं मालूम है कि ये क्या है, कहाँ से आया है, क्या इसका यूज है, तो वो बहुत गड़बड़ वाली बात हो जाती है। तो इसलिए मेरा कोशिश यही रहता है, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट कराऊँ, मैं आप लोगों को बारीकी से कॉन्सेप्ट कराऊँ और आपको समझ में आए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, इसका क्या यूज है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग जो भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ, अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उस लेक्चर को देखना, तो देख करके आप लोग बोर मत होना कि सर आप बस ऐसे ही आते हो, ए एन सी एन करवा करके आप चले जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, जब इसके बेस पर जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ना, उस टाइम आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका यूज क्या है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, देखो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक आना है टॉपिक हमारा अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन में जितने सारे कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिक मीन के जितने सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट है, दो तीन तीन या चार कॉन्सेप्ट है उसमें, तो इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, इसके बेस पर आज क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक
ठीक है, इसके बेस पे जितना हम आज कॉन्सेप्ट करेंगे अर्थमेटिक मीन में, उतना हम क्या कहते हैं क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखिए, इसके जब अर्थमेटिक मीन हमारा खत्म हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसी में एक और कवर होता है, जैसे यहाँ पे ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक मीन आता है, उसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक हमारा ज्योमेट्रिक मीन भी कवर होता है। तो जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितने ये मैंने करवाया आप लोगों को, ये मैंने जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये सब का सब सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंडर अर्थमेटिक मीन के बारे में, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अर्थमेटिक मीन। देखिए, अब हम करेंगे अर्थमेटिक मीन। देखिए, अर्थमेटिक मीन क्या कहते हैं, मीन मतलब क्या होगा, जब हमने पढ़ा होगा, एक हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, स्टेट्स में जब हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, जब हम यहाँ पर भी इसमें भी स्टडी मटेरियल में भी हमारे है ये चैप्टर है मेन मीडियन मोड, ये पढ़ना है हमें। तो जब हम मीन पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब मीन पढ़ते हैं तो मीन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब स्टेट्स में मीन पढ़ मीन पढ़ते हैं तो इसमें क्या पढ़ते हैं, मीन में तीन टाइप के मीन, तीन तरीके का मीन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मीन का मतलब क्या होता है, एक आपका मिडिल टर्म, जो हमारा मिडिल टर्म होता है हम उसको फाइंड करते हैं कि मिडिल टर्म क्या होगा हमारा, ठीक है ना। तो ये अर्थमेटिक मीन का मतलब ये हुआ कि मिडिल टर्म, अगर मेरा कहने का मतलब है कि अगर एपी में तीन टर्म है, ठीक है ना, मेरा अब ध्यान सुना, अगर एपी में अगर ले लेते हैं कि अगर एपी में ए बी सी ये तीनों टर्म है जो हमारे क्या है एपी में है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, ठीक है ना। तो ये जो मिडिल टर्म है ये बी वाला जो बीच का जो वैल्यू है बी, तो इसको हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ये हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। तो उसको अगर हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो क्या होगा, इफ कहने का मतलब अगर थ्री टर्म्स आर इन एपी देन मिडिल टर्म इज कॉल्ड ए एम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ए एम मीन्स शॉर्ट फॉर्म में अर्थमेटिक मीन, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में अर्थमेटिक मीन ए एम, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे देते हैं एग्जाम्पल के लिए, ए ए बी आर इन ए पी, तो हमारा अर्थमेटिक मीन क्या होगा। देखिए, आप कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो ना तो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो चैप्टर आप मतलब आपको एकदम आप बढ़िया से समझ लेते हो, उसके क्वेश्चन आप बढ़िया से कर लेते हो, ठीक है ना। देखो, हमने पढ़ा था कि अगर दो चार छ आठ दस, अगर ये हमारा एपी है, ठीक है, ये हमारा एपी का सीरीज है अगर, ठीक है ना, तो अगर हमें कैसे हमें मालूम होगा कि ये एपी में है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था कि कैसे हम देखिए, हमने ये कह दिया कि दो चार छः आठ दस एपी में है, ठीक है, तो हम कैसे मानेंगे कि ये एपी में है, मैंने कह दिया और आप लोग मान लोगे कि नहीं ये दो चार छः आठ दस बारह पंद्रह बारह चौदह सोलह अठारह बीस ये एपी में है, नहीं। उसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डिनोट कर लेते हैं डी से, और डी का वैल्यू मैंने बता रखा है कि टी एन माइनस वन। कहने का मतलब क्या है कि सेकेंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड वाले में से सेकेंड को माइनस करेंगे, फोर्थ वाले में से थर्ड को माइनस करेंगे, और फिफ्थ वाले में से फोर्थ को माइनस करेंगे।
तो अगर जहां पे हमारा डी का वैल्यू अगर बराबर आ जाता है, सेम आ जाता है, एक जैसा ही आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि 4 - 2 मैंने किया तो यहाँ पर भी 2 आ गया, 6 - 4 मैंने किया तो यहाँ भी 2 आ रहा है, 8 - 6 आ गया तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, और 10 - 8 मैंने किया तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो देखिए हर एक लेवल पे हमें क्या वैल्यू एक ही मिल रहा है, सेम वैल्यू मिल रहा है। तो क्या है, अगर डी हमारा सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एपी में है, ठीक है। अगर इसका वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो एपी में है। अगर यहाँ अगर फर्स्ट वाले अगर हम फाइल करते अगर 4 के जगह पे सॉरी यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे फिर 2 आता, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे किया 2 और यहाँ का वैल्यू आ जाता 3, फिर यहाँ 2 आ जाता, फिर यहाँ पे 2 आ जाता, फर्स्ट वाले स्टेज पे फर्स्ट वाले लेवल पे 2 आता, सेकंड वाले लेवल पे हमारा 3 आता, थर्ड वाले पे 2 आता, फोर्थ वाले पे 2 आता। तो इसका मतलब क्या है कि एपी में है, नहीं ये एपी में नहीं है। एपी में कब होगा कि जब डी हर एक लेवल पे उसका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, इसका मतलब क्या है कि जो सीरीज है वो हमारा एपी में है। तो अगर एपी में है तो उसका कैसे निकाल, हम मालूम कैसे पड़ा कि ये एपी में है, हमने जब वैल्यू डी फाइंड किया तब हमें मालूम पड़ा। तो यहाँ पर देखिए ए कैपिटल ए स्मॉल बी ये तीनों क्या है, एपी में है, ठीक है। तो मिडिल टर्म फाइंड करने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है ना। तो आप लीजिए कि ए टू इसको ले लो ए वन, इसको ए टू और ये ए थ्री, तो कर दें ए टू माइनस ए वन इक्वल ए थ्री माइनस ए टू। तो ए माइनस ए कैपिटल ए माइनस ए और इक्वल बी बी माइनस ए, ठीक है। तो अगर हम इसको बराबर करेंगे, देखो ए माइनस ए यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बी प्लस ए, अगर ये ब्रैकेट में है तो क्या हो जाएगा बी प्लस ए, तो हमारे पास सॉरी बी प्लस कैपिटल ए, तो वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस का ए प्लस का ए, तो प्लस टू ए माइनस बी। अब ये क्या होगा, अगर हमें 2a को जो बाहर करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 2a को बाहर करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, जी माइनस वाला बराबर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या आ गया a प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, देखो मैंने आप लोगों से पहले कहा कि अगर ap में तीन टर्म है हमारे पास तो उसका जो मिडिल टर्म होगा उसको हम सॉरी अर्थमेटिक मीन मानेंगे। तो इसका जो मिडिल टर्म क्या है a है, तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा अर्थमेटिक में। तो एपी का अर्थमेटिक में, तो ये हमारे एपी का एपी में ए का वैल्यू क्या होगा, अर्थमेटिक में का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। अगर कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कह रहा है कि 3x 7, अब ऐसा क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, अगर ए निकालने के लिए दे देगा कि अर्थमेटिक मीन का वैल्यू, अर्थमेटिक मीन का वैल्यू आप फाइंड करो, तो क्वेश्चन ये होगा कि 3x 7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें मालूम है क्या होगा ये थ्री टर्म्स एक्स क्या हो जाएगा, ए के जगह पे एक्स लेने का क्या होगा कि ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो 3 + 7 / 2 इक्वल टू में 5, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो बिल बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन, इसे फूल लिख देता हूं मैं, बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है ना। देखिए ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एन क्या है हमारे यहाँ पे अर्थमेटिक मीन है, और इसके जो अर्थमेटिक मीन है उसमें दो नंबर आपको इंसर्ट कर क्या कहते हैं इंसर्ट किया जाता है। देखिए पहले कहते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू नंबर, हियर ए वन ए वन ए टू ए थ्री ए एन आर अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। देखिए ध्यान से आप लोग देखना, देखिए ए बी आर, ठीक है। देख रहे एन इंसर्ट अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में एक नंबर इंसर्ट किया जा रहा है वो हमारे का अर्थमेटिक मीन होगा। कह रहे का मतलब क्या है
यहाँ पे ए और बी हमारे पास दो नंबर है, ठीक है ना, और यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री और ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट ए नाइन ए टेन इलेवन ऐसे करते करते हम एंथ टॉप पे जब हम पहुंचते हैं तो ये जो हमारा टर्म है ये जो हमारा टर्म है ए वन से लेकर के ए एन तक ये जो हमारा टर्म है क्या है आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो ये पोर्शन है हमारा ये जो टर्म है क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन है। कहने का मतलब क्या है कि ए ए वन ए टू ए थ्री ए एन एंड बी ये जो टर्म है हमारा ध्यान से आप लोग देखना कि ये जो टर्म है ये जो हमारा टर्म है अगर हमारे पास तीन टर्म है तो उसका जो अर्थमेटिक मीन क्या होगा उसका मीडियन टर्म जो होगा वो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। तो इस पूरे को यहां से लेकर के ये जो वैल्यू होगा इस पूरे को हम ए मान लेते हैं तो फिर वही कहानी हमारा अर्थमेटिक मीन पे ए ए बी तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन। तो उसी तरीके से ए और बी के बीच का जो ये ए है वो हमारा क्या है अर्थमेटिक मीन है। तो यहां पे हम मान लेते हैं ये रफ कर देता हूं मैं लेट बी इक्वल टू एन प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा हमारा कि b इक्वल टू एन प्लस टू सेकेंड टर्म हो जाएगा तब हमारे क्या होगा कि टी एन जब हम निकाल देंगे तो क्या होता था हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये होता था हमारा फॉर्मूला, ये बेसिक हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म के लिए। तो ऐसे आप समझ लो कि जो b है उसके सॉरी जो टी एन है एक बार समझ लो आप लोग कि जो टी एन है उसके जगह पे हमने बी ले लिया और ये जो हमारा एन ये जो हमारा एन है ये एन है ये जो एन है इसके जगह पे हमने एन प्लस ये एन टर्म और ये एन प्लस ये हमने ऐसा एज्यूम किया है। तो फिर हमारा इसके बेस अगर इस बेस पे अगर इस बेस पे अगर इस बेस पर हम इसको लेकर के चलेंगे इस वाले को इस वैल्यू को इस बेस पर लेकर के चलेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो एन की जगह पर हमने क्या लिया है एन प्लस टू टर्म्स और टी एन की जगह पर हमने क्या लिया है बी। तो देखिए यहां से कि बी इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होना चाहिए हमारा तो ए अब प्लस एन माइनस वन तो एन की जगह पे क्या है हमारा एन प्लस टू एन इक्वल टू आप ले सकते कह सकते हैं कि वेयर एन इक्वल टू एन प्लस ये टर्म हो जाएगा तो एन की जगह पे क्या हो जाएगा एन प्लस टू तो एन हो जाएगा और माइनस में वन इंटू डी, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग देखो हमने माना कि बी इक्वल टू एन प्लस टू है तो ठीक है तो इसको हम बेस वाले फर्स्ट वाले फॉर्मूले पर लेके चलेंगे कि tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह पे हमारे क्या है n प्लस टू है और a की जगह पे a हमारा सेम ही है और d की जगह पे d हमारा सेम है। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या होगा एक बार देखते हैं कि b इक्वल a प्लस अब देखिए n प्लस टू माइनस वन वन तो n प्लस वन इंटू डी। जब यहां से हम d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अब यहां से हमें d चाहिए तो जब हमें यहां से d चाहिए तो क्या होगा कि d इक्वल में अब यहां से जब हमें d चाहिए तो ये क्या है दोनों मल्टीप्लाई में है तो जो मल्टीप्लाई में क्या होगा वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा n प्लस वन होगा तब तो हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये क्या है ये अपोजिट हो जाएगा कि जो b है ये क्या हो जाएगा जब यहां से ब्रैकेट की साइड में जो क्या इक्वल की साइड बांटे तो क्या है जो प्लस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कि b माइनस में a। तो d का वैल्यू क्या हो गया हमारा कह सकते हैं कि d इक्वल b माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस वन, ठीक है ये वैल्यू हमारा निकल कर आया। तो अब देखते हैं हम कि जैसे जैसे हमारा टर्म्स आगे आगे बढ़ते जाएगा उसका वैल्यू क्या निकल कर आएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग देना यहाँ पे ऐसा कर दो मैं कि बी ए प्लस एन माइनस ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा ये डिवाइड में जाएगा। तो फिर हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे मैं सोच रहा था कि एक स्टेप और आगे मैं ले लूँ लेकिन कुछ फायदा नहीं है यहीं पे, ठीक है। देखिए अब ये जो d का वैल्यू आ गया हमारे पास तो देखिए a और a1 तो ये क्या है हमारा a हो जाएगा और ये क्या है हमारा b है। तो a1 क्या है हमारा
A1, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, तो A1 क्या है हमारा सेकेंड टर्म है, A2 क्या है हमारा थर्ड टर्म है, A3 क्या है हमारा फोर्थ टर्म है। तो जब हम A1 लेकर के चलेंगे तो हम सबको मालूम है कि जब हम t का वैल्यू 2 रखते हैं तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस वन इंटू डी फाइनली क्या आना है कि a प्लस में डी, तो ये 2 है तो सेकेंड टर्म है, तो a1 क्या हो जाएगा a प्लस डी, ठीक है। ये थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a2 क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2d, a3 क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3d, a4 क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस 4d, और उसी तरीके से हम आगे अगर बढ़ते रहे तो जब हम n पर पहुंचते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस nd। ठीक है, तो ये हमारा तो बेसिक हो गया कि d का वैल्यू निकल गया, और यहां से अगर हमें a निकालना होगा तो अब ये जो कॉन्सेप्ट होगा, ये जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हमेशा अर्थमेटिक मीन में ही होगा। जब जहां पे क्वेश्चन पूछ दे कि इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, अगर दो नंबर के बीच में कोई नंबर इंसर्ट किया जा रहा है तो उसका वैल्यू डी क्या होगा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है पूछेगा कि अगर दो नंबर के बीच में कोई अर्थमेटिक मीन का नंबर अर्थमेटिक मीन के बीच में पर कोई सॉरी दो नंबर के बीच में अगर कोई अर्थमेटिक मीन है तो उसके सबसे पहले आप उसका डी का वैल्यू फाइंड करो। अगर इजिली अगर पूछेगा तो डी का वैल्यू पूछ देगा, अगर वहां से आगे अगर पूछे जाए तो बोल देगा कि डी का वैल्यू भी फाइंड करो, एन का भी वैल्यू फाइंड करो, यहां से तो अलग अलग तरीके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उसको हम देखेंगे। ये हमारा हो गया दो नंबर जब इंसर्ट कर रहा है तो ये हमारा डी का वैल्यू निकल गया और एन का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम एक और अलग कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं कि इसमें दो कॉन्सेप्ट हो गया, एक हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है अर्थमेटिक मीन का, और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये तो हमारा टीएन का हो गया, टीएन के बेस पे हो गया, और एक होता है हमारा सम के बेस पे, सेम कहानी वही होगा। ठीक है, दो नंबर के बीच में इंसर्ट करेगा ए और बी वही होगा, ये भी सेम होगा हमारा कि क्या कहते हैं ये भी सेम होगा कि a1 a2 a3 an b, तो इस बेस पे, लेकिन वहां पे क्या होगा कि इसका सम पूछ रहा है तो सम क्या होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो हमारा होगा, ठीक है, सम ऑफ एन 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 अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हमने क्या कि एन इंसर्ट कर रहे हैं दो दो टर्म्स के बीच में, तो वो हमारा टीएन के बेस पे था और ये सम पूछ रहा है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। फिर वही कहानी होगा कि दो नंबर के बीच में, तो मान लेते हैं कि ले ए एंड बी आर टू नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू नंबर्स की बात जब होगा तो क्या होगा a1 a2 a3 an b। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि द सम ऑफ एन एम बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर के बीच में, तो दो नंबर क्या है हमारे पास, एक पहला a है दूसरा हमारा b है, तो दो नंबर के बीच में सम क्या होगा, तो देखिए फाइनली क्या होगा कि a1 a2 a3 an। ठीक है, अब ये जो होगा ये हमारा क्या कह रहा है, ये प्लस कह रहा है, इसका सम क्या होगा, प्लस an और प्लस b, इसका सम पूछ रहा है। देखो यहां पे पूछ रहा है कि इसका सम क्या होगा, तो हमें पता है कि सम क्या होता है, एस एन क्या होता है हमारा एन बाई टू और फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म यही होता है हमारा, तो फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है ए वन और लास्ट टर्म क्या है हमारा एन, एस एन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी और ये क्या हो जाएगा कि a प्लस एन डी, एस एन कितना हो जाएगा ए ए
टू ए और प्लस एन डी प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ए ले लेते हैं, कैपिटल ए होगा स्मॉल, सॉरी स्मॉल ए होगा, कैपिटल ए नहीं होगा स्मॉल होगा। तो देखिए, तो ये ए वन प्लस ए एन, तो हमने पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि ए वन यू क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये ए है बी है, नहीं, इन दोनों के बीच, इन दोनों नंबर के, आप ध्यान से ये डाउट मत आप लोग रखना कि फर्स्ट टर्म तो ये है हमारा यहाँ पे, तो फिर आपने ए वन कैसे ले लिया, लास्ट टर्म तो हमारा बी है, तो फिर आपने ए एन कैसे ले लिया, नहीं, इन दोनों के बीच के जो टर्म होंगे उनको लेकर के चलना है हमें, ये नहीं कि ए यहाँ पे है तो यहाँ पे उसको नहीं लेकर, ये हमारा इसके लिए, इन दोनों नंबर के बीच में ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकेंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा, ये फोर्थ सिक्स सेवन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन करके ऐसे ही हमारा एंथ टर्म तक पहुंचेगा। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, इसका इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए वन होगा, और इसका एल जो लास्ट टर्म होगा वो हमारा ए एन होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ए वन क्या होता है यहाँ पे ए प्लस डी, और ए एन क्या होगा ए प्लस एन डी। तो वही कहानी बन करके आता है यहाँ पे कि ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन डी, तो ए तो ए प्लस ए टू ए और प्लस एन डी प्लस डी, ठीक है। तो ए सी एन इक्वल टू यहाँ पे टू ए प्लस यहाँ पे डी कॉमन ले लेंगे, तो जब डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे एन प्लस वन, एन प्लस वन कॉमन होगा हमारा, ठीक है। और ये लास्ट में यहाँ पे क्या है हमारा, ये एन माइनस टू एन डिवाइड बाई टू, तो ये सॉरी यहाँ पे ये और ये यहाँ पे क्या जाएगा एन डिवाइड बाई टू एन डिवाइड बाई टू एन डिवाइड बाई टू और एन डिवाइड बाई टू। तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा कि ए सेन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस डी और एन प्लस वन, ये फाइनली हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ए सेन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस डी और एन प्लस वन। तो अब इसका ए सेन क्या होगा, देखते पहले पिछले मैंने जो हमने देखा था, जब हमने डी निकाला था यहाँ पे, जब हमने डी निकाला था यहाँ पे, जब नंबर हमारा इंसर्ट कर रहा था कि एन इंसर्ट बिटवीन एन और टू ए प्लस डी इंटू एन माइनस एन प्लस वन की जगह पे क्या मिला हमें बी माइनस ए। तो ए से कितना हो जाएगा भाई कि एन माइनस टू ए टू माइनस ए तो ए प्लस बी, ए से हो जाएगा हमारा कि एन बाई टू और ए प्लस बी, ये हमारा ए से हो जाएगा इसके फॉर्म में कि एन बाई टू डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो अगर कभी कभी भी सम पूछता है वहां पे इंसर्ट पे, तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए ये ए ए दे रखा है 28, बी दे रखा है 17, तो यहाँ पे आप ए और ए टर्म, तो यहाँ पे आपको एन फाइंड करना होगा, फिर एन फाइंड करने के बाद में बोल देगा कि आप एस एन निकालो, तो उस तरीके का क्वेश्चन होगा। तो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, इसके ये दो जो हमने कॉन्सेप्ट किए, एक ये सम वाला और इसके इससे पीछे वाला, जब डी हमने ये जो हमने डी निकाला हमने, तो इन दोनों के बेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और फिर हम चलते हैं इसमें हमारा स्टडी मटेरियल में कुछ अलग से फॉर्मूले दे रखे हैं। तो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं कि जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा सम, तो उनका क्या होगा, जो ऑड नेचुरल नंबर होंगे उनका सम क्या होगा, जो स्क्वायर वाले होंगे उनका नहीं लिखवाया करवाया मैंने, जो क्यूब वाले होंगे उसका उनका मैंने नहीं लिखवाया, तो मैं करवा देता हूँ, वो मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, वो बड़ा ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा उन लोगों का प्रूफ करवाने का। अगर मैं इन तरीके से उन लोगों को भी मैं अगर प्रूफ कराने लगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उनको प्रूफ करने का एक अलग ही तरीका है, वो अलग ही फॉर्म से आते हैं वो लोग, आता है वो सब। तो डायरेक्टली मैं उसका फॉर्मूला लिखवा करके सीधे मैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे आप लोगों को लिख सकता हूँ स्टडी मटेरियल के, ठीक है। तो हमारा कि एम जो है वो दो नंबर के बीच का है, और दो नंबर क्या है हमारे बिटवीन 3 and 54। और फिर अगला कह रहा है कि जब कह रहा है कि एंड देन कहता है कि जो एथ टर्म का मीन है वो है इस टू कितना है हमारा एथ मीन, और क्या कह रहा है कि इस टू
एयर माइनस टू ए मीन, ये जो मीन है हमारा, ये एस एस टर्म का जो मीन है और जो है एयर माइनस टू एस टर्म्स का जो मीन है वो हमारे किसके इक्वल में है, तो वो इक्वल हमारा बता रहा है कितना है हमारा कि 3:5, ये 3:5 के रेशियो में है। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, यहाँ पे एन का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए जैसे मैंने एग्जांपल अभी मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है, तो कह रहा है ये कि ये जो एन टर्म ए एन बिटवीन है, सॉरी एन एम अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 5, तो दो नंबर के बीच का जो है वो एन टर्म क्या है, दो नंबर के बीच का, तो यहाँ पे सोल्यूशन अगर हम जब करेंगे तो एन दो नंबर के बीच में, एन दो नंबर के बीच में एक ए था और एक हमारा बी था और इन दोनों के बीच का क्या था A1 A2 A3 ऐसे करके AN तक जाते थे हम, तो ये जो दो नंबर के बीच था ये तो हमारा अर्थमेटिक मीन था और ये जो दो नंबर था हमारा ये अलग नंबर था, तो ये दोनों नंबर गिवन है यहाँ पे 3 और देखिए इन एन ए एम बिटवीन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 54, तो ए कितना है हमारा, ए है हमारा 3 और बी है हमारा 54, ठीक है। और जो कहता है कि एट मीन है हमारा 3 और एन माइनस टू एथ मीन है हमारा 5, तो यहाँ से एन का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो देखिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे डी का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा हमारा, डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है कि बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1, ठीक है। तो जब डी फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या है, बी क्या है हमारा 54 और ए क्या है हमारा 3 और डिवाइड बाई एन प्लस 1, एन प्लस 1 तो ये कितना जाएगा 54 माइनस 3 51 डिवाइड बाई एन प्लस 1, तो डी का वैल्यू हमें क्या मिला 51 डिवाइड बाई एन प्लस 1, ये तो डी का वैल्यू मिल गया। अब ये कहता है हमारा कि जो एट्थ मीन है वो हमारा 3 है और जो एन माइनस 12th मीन है वो हमारा 5 है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, एट टर्म है वो हमारा 5, तो क्या हो जाएगा According to this question, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा ये कि जो A8 है हमारा वो कह रहा है भाई साहब कि हमारा 3 है और ये जो इसका रेशियो n माइनस 2 का जो रेशियो है वो कह रहा है हमारा 5 है और इन दोनों को कर देते हैं सब मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 into A8 और इक्वल 3 into n माइनस जी ए टर्म हो जाएगा और ये सॉरी टर्म्स नहीं है ये मीन है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा कि फिफ्थ मीन कितना हो जाएगा इसको देखते हैं हम। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए एट है ठीक है, तो 5 into A+8D और इक्वल ये है हमारा कि 3 into N-2 S terms, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, तो 3 तो 3 रह जाएगा और इसका a कितना है हमारा, देखिए एक बार ये nth term है, देखो कहने का मतलब ये भी है कि अगर वही यही चीज हमने यहाँ पर भी लिखा है कि a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है, तो a प्लस में 8D हो गया और उसी तरीके से ये तो 3 जो है वो हमारा कॉमन ही है तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब हम कहते हैं कि a लेकर के चलेंगे तो a कितना है हमारा 3, तो 3 प्लस और n कितना है हमारा n-2, देखिए यहाँ पे n-2 तो n-2 -1 और इंटू डी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 into A+8D = 3 और 3 प्लस n-3 और d का वैल्यू क्या है हमारे पास, d एक बार देखेंगे 51 डिवाइड बाई एन प्लस 1, तो 51 डिवाइड बाई एन प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और a का वैल्यू क्या है हमारे पास, a का वैल्यू है हमारे पास 3 और प्लस 8d, तो कितना हो जाएगा देखिए इसको यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा ये ये कितना हो जाएगा हमारा कि 3 into 3 + n-3 into 51 और डिवाइड बाई इसको लेकर के चलते सॉरी यहाँ पे लेकर के चलते n प्लस 1
फाइनली ये क्या हो जाएगा कि 5 × 8 + ये हमारा हो जाएगा डी, डी कितना है हमारा 51/8 + 1 और इनटू में ये एन प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा तो 3 × 3 + n-3 हो जाएगा। तो ये कितना होगा हमारा कि 5 × n + 1 और इनटू 8 और 51 × 8 और 4 408 तो 3 + 408 और इनटू एन प्लस वन और 3 × 3 = 9 + n-3 यहाँ पे ये कहानी गल करना है। ठीक है अब आगे देखते हैं हम इसको 5 ये 5 और a प्लस डी ये 8 है तो a प्लस 8d इक्वल टू 3 और 3 a प्लस एन डी और a प्लस एन डी तो कितना रहेगा कि 5 और a कितना है हमारा 3 + 8d और इक्वल ये कितना हो जाएगा हमारा कि 3 × 3 = 9 और प्लस 3n-6 इंटू में 3 − 6 इंटू में डी ये हो जाएगा 15 और ये प्लस में 15 प्लस में और ये हो जाएगा हमारा 40d और ये माइनस हो जाएगा 9 और ये −3n + 6 इंटू में डी तो ये 15 + 40d और ये −9 और −3nd + 6d तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे कि 15 − 9 ये 6 + 40d और −3nd + 6d तो ये कितना हो जाएगा डी और डी तो 6 + 40d + 6d 46d और माइनस में 3nd तो ये कितना हो जाएगा 6 और प्लस डी डी कॉमन तो डी कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 46 माइनस में 3n तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा कि सॉरी 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा डी इंटू 3n माइनस में 46 ये बन करके आ गया। जब डी इंटू 3n माइनस में 46 दिखा रहे हैं हमारा तो 6 इक्वल टू 3n माइनस में 46 और डी का वैल्यू हमें मालूम है 51/n+1 तो 51/n+1 अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 × n+1 और 3n-46 इंटू में 51 तो 6n + 6 इक्वल टू 3 तो कितना हो जाएगा ये 51 × 3 और ये तो 51 53n- में और ये है हमारा 51 × 46 तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 30 × 4 = 34 तो 3 × 20 = 23 तो 23 46 आ गया ये। तो अब देखते हैं कितना हो जाएगा कि 53 तो 6n + 6 − 153n + 2, 3, 4, 6 तो +/-153 और −6 तो 147 − 147 147n और प्लस 240 2346 + 6 तो 2346 + 2 = 52 तो कितना आ गया हमारे पास कि 147n + 2352 माइनस कॉमन ले लो तो 147n − 2352 तो कितना हो जाएगा ये कि 147n − 2352 तो देयरफॉर n इक्वल टू 2352 / 147 तो n इक्वल टू और इनको मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे तो कितना है 14 है तो 235 तो 1 टाइम्स में 235 माइनस ये तो 5 − 7 तो 8 और ये कितना हो जाएगा 12 − 4 तो ये भी हो जाएगा 8 × 8 = 2 ये कितने टाइम्स जाएगा 147 6 तो 2 4 24 28 2 6 2 8 882
कितने टाइम जा रहा है, 182 सॉरी 882, तो 146 डिवाइड बाई 146 डिवाइड सॉरी 882 डिवाइड बाई 147 इक्वल टू 6 टाइम में, तो 1 × 6 तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया 16, और ये हो गया हमारा आंसर। ये तो इस तरीके का क्वेश्चन हो गया कि ये इंसर्ट करने वाला क्वेश्चन था, और इसको हमने यहाँ पे a और d का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 11 AM, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 11 AM आर इंसर्टेड बिटवीन 28 and 10। ठीक है, 11 AM मतलब कि 11 अर्थमेटिक मीन, मतलब कि ए छोड़ करके और बी छोड़ करके इन दोनों इनके बीच का जो टर्म है वो हमारा 11 है। यहां से सुनना, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ए बी ए वन ए टू ए थ्री ए तक जाता है, तो इनका जो वैल्यू है वो हमारा पास वो हमारा 11 है। ठीक है, 11 है हमारे पास, तो बिटवीन 28 and 10 तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री मिडिल टर्म्स इन द सीरीज। इन सीरीज के हमारे पास 3 मिडिल टर्म्स को आप फाइंड करो। ठीक है, तो वही कहानी है, देखते हैं यहां पे। लेट ए ए वन ए टू ए थ्री ए एन बी, तो कहता है कि सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं, सॉल्यूशन तो कितना हो जाएगा, ये ए क्या है हमारे पास 28 और ए क्या है ये हमारा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए 11 तक है और बी हमारे पास क्या है 10 है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो वहां सबसे पहले हम डी का वैल्यू फाइंड करते हैं। किसका, डी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब डी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास मालूम है कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस ए डिवाइड बाई ए प्लस वन, तो डी इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास 10 और डी का वैल्यू क्या है 28, तो 10 − 28 डिवाइड बाई एन प्लस वन, तो डी का वैल्यू कितना जाएगा, ये −18 डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो और यहां पर ये भी देखना होगा कि एन कितना है हमारे पास, 11 टर्म्स है हमारे पास, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा कि −18 डिवाइड बाई 11 प्लस 2, तो −18 डिवाइड बाई 12, और ये कितना आ रहा है 3 × 2 − 3 = −3/2, तो डी का वैल्यू क्या मिल गया है हमारे पास −2। अब देखिए हमारे पास टोटल अर्थमेटिक मीन कितने हमारे पास, यहां से लेकर के यहां तक कितने हमारे पास, कहेंगे कि टोटल अर्थमेटिक मीन कितने, अर्थमेटिक एम कितने हमारे पास 11, और जो कि क्या है ये 11 क्या है हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, 11 क्या है हमारा ऑड नंबर है, तो जब हम ऑड नंबर का जब हम मिडिल टर्म निकालते हैं, यहाँ पे मिडिल टर्म निकालने की बात कर रहा है कि मिडिल टर्म, कि मिडिल टर्म देखो यहाँ से भी ऐसे देखो, अगर यहाँ से ए वन से लेकर के 11 के बीच में हमें क्या कह रहा है कि 3 मिडिल टर्म्स निकालो, तो हमें 3 मिडिल टर्म निकालना होगा, तो 3 मिडिल टर्म निकालना होगा, तो 1 से लेकर के 11 के बीच में हम मिडिल टर्म तो फाइंड कर सकते हैं कि यार कुछ को इधर छोड़ देते हैं कुछ को उधर छोड़ देते हैं, जो बीच का वैल्यू निकल के आता है वो हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा, और एक ऐसा निकल करके आता है कि ऑड नंबर है इवन नंबर है तो उसका मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। तो जो ऑड नंबर, जैसे मैं आप लोगों को मीन जब पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक मीन पढ़ाऊंगा, सॉरी अर्थमेटिक मीन ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वहां पे मीन, अर्थमेटिक मीन, तो क्या कहते हैं जब स्टेट्स हम पढ़ेंगे तो वहां पे मीन हम पढ़ेंगे, तो वहां पे वो वहां पे जब पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे तो ऑड नंबर का जो मीन निकालना होता है ना उसका निकालते हैं, उसका मिडिल टर्म निकलता है हमारा एन प्लस वन डिवाइड बाई, और जो इवन नंबर का इवन टर्म होता है, और सॉरी इवन नंबर का जो मिडिल टर्म होता है उसको निकालते हैं एन बाई 12 टर्म्स। तो यहाँ पे 11 क्या है हमारा, अगर डायरेक्ट हमें निकालना होगा तो यहाँ पे डी का वैल्यू तो मिल गया, अगर हमें डायरेक्ट निकालना होगा मिडिल टर्म तो देखते क्या होगा 11 होगा, तो
एक से लेकर के एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस 11, तो 11 के बीच में हमें मिडिल टर्म्स फाइंड करना होगा। तो एक दो तीन चार, चार को इधर कॉमन ले लो और चार को यहाँ पे ले लो कॉमन, बचा क्या हमारे पास 5 6 7। तो 5 6 7 ये तीनों हमारे क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। वैसे तो डायरेक्टली हमने फाइंड कर लिया, अगर अगर इस तरीके से अगर फाइंड करना होगा तो उसका वैल्यू होता है कि एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो एन कितना है हमारे पास 11, तो 11 प्लस वन डिवाइड बाई टू, तो हो जाएगा 12 डिवाइड बाई टू, तो हो जाएगा हमारा 6th टर्म। ये जो होगा हमारा मिडिल टर्म होगा, लेकिन कह रहा है कि एक मिडिल टर्म हमें फाइंड नहीं करना है यहाँ पे। अगर एक मिडिल टर्म फाइंड करना होता तब तो हम 6 ले लेते, ए 6 हमारा क्या होता, मिडिल टर्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हमें एक नहीं चाहिए, हमें 3 मिडिल टर्म चाहिए। तो 3 मिडिल टर्म मीन्स, तो 3 मिडिल टर्म क्या होगा हमारे पास 5 6 और 7। तो A5 एक हमारा मिडिल टर्म्स हो गया, और A6 हमारा सेकेंड मिडिल टर्म्स हो गया, और A7 जो है वो हमारा थर्ड मिडिल टर्म हो गया। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पे ले लेते हैं। थ्री मिडिल टर्म इन सीरीज, फर्स्ट वन क्या है A5, सेकेंड क्या है A6, और थर्ड क्या है A7। तो जब A5 कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा A+5D। ठीक है, 6 कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा A+6D, और 7 कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा A+7D। और इन सब का बारी बारी से वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो A+5D, तो A का वैल्यू कितना है हमारे पास, A है हमारे पास 28। तो 28 + 5 × D का वैल्यू क्या है, इतना -3/2। तो 28 + -15/2, तो ये कितना हो जाएगा 256 + -15, तो ये 1, और ये 441/2, तो इसका आ गया हमारा 41/2। सेकेंड कितना कह रहा है कि A+6D, तो 28 + 6 × -3/2, तो 28 और माइनस में 18/2, ये 9 हो जाएगा। तो 28 - 9 ये हो जाएगा 19, तो दूसरा टर्म हो जाएगा 19। और तीसरा कह रहा है हमारा कि A+7D कह रहा है, तो A+7D कह रहा है, तो A कितना हो जाएगा 28 + 7 × -3/2, तो 28 - 21/2, 56 - 21/2, ये कितना हो जाएगा 6 - 1 5, और 5 - 3 2 3 2, ये हो जाएगा 35/2। तो हमारे पास 3 लगातार टर्म्स क्या आ गया, एक आ गया 41/2, दूसरा आ गया 19, और तीसरा आ गया 35/2, और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो दो टाइप्स के हमने अर्थमेटिक मीन्स में हमें दो हमने दो टाइप्स के क्वेश्चन किए, और जब हम स्टडी मटेरियल करेंगे तब हम स्टडी मटेरियल में, अब हम जब अब सॉरी इतना तो करवा दिया मैंने, दो फॉर्मूले छूट रहे हैं स्टडी मटेरियल के हिसाब से। स्टडी मटेरियल में वो गिवन है वो भी मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, फिर इसके बाद हम चलेंगे स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल से लेकर के जितने हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उन सबको एक एक करके क्वेश्चन में करवाऊंगा आप लोगों को। एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं छोड़ के नहीं चलूंगा, एक एक क्वेश्चन में करवाऊंगा आप लोगों को। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, और दो फॉर्मूले बचे हुए उसमें दो या तीन फॉर्मूले उसको मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, फिर चलेंगे हम। वहां पे मैंने आपको करवा दिया था कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, सम ऑफ ऑड फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए मैंने क्या करवाया था, A1 × (n)(n+1/2), और ऑड नंबर के लिए क्या करवाया था, n² करवाया था। अब उसी तरीके से करेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर नेचुरल नंबर, स्क्वायर नेचुरल नंबर जो नेचुरल नंबर होगा उसका जब सम होगा, और जो उस जो सम होगा वो स्क्वायर में होगा, तो उसका वैल्यू क्या निकल जाएगा। जैसे देखते हैं कि 1 नेचुरल नंबर है, ये हमारा स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, ऐसा जब चलता है तो उसका सम क्या होगा। तो उसका सम हो जाएगा कि n × (n+1) (2n+1)/6। और फिर दूसरा कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब
नेचुरल नंबर, तो वो कितना हो जाएगा कि 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, तो ये हो जाएगा कि एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।